ये तो कमाल कर दिया आपने। हे बीनी, तुम्हें अंदाजा नहीं है, और उस वक्त जरा सी हमदर्दी करते तो जिंदगी भर हम जिल्लत ही फेस करते। हम माफ करें, लेकिन मेरी मासी बेहतर कपड़े पहनती है, और कैन यू इमेजिन अगर किसी को पता चल जाता कि ये ज़हीर की बहन है। थैंक गॉड इज्जत बच गई। सीधी मैंने भी नजरअंदाज किया, देखा भी नहीं उसकी तरफ कि उससे कोई बात करने का मौका मिलता। डैड, यू माय डियर, आप जज्बात से नहीं अकल से काम लेते हैं। गरीब रिश्तेदार आपका सारा इमेज डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनसे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है, क्यों मॉम? ऑफ कोर्स। शुक्रिया, बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। अम्मी, आपने खाना खाया? अरे कहाँ खाया मैंने खाना, बैठी हूँ मैं तो भूखी, और वो बिलाल का इंतजार कर रही थी, उसने फोन करके मना कर दिया, कहता है कि अपने दोस्तों के साथ खाना खा कर आऊंगा। चले कोई बात नहीं, मेरे और अम्मी के लिए खाना लगा दो जल्दी से। मोहसिन, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, इंतजार कर रही थी। अरे तो अच्छी बात है, हम तीनों मिलके खाना खाएंगे, जाओ जाओ लगाओ। कहाँ बर्दाश्त होता है इससे कि माँ बेटा बैठ के कुछ खा पी ले। कसम खुदा की सारा दिन चढ़ती रहती है, कभी बिस्किट, कभी नींबू, कभी केक, कभी चाय, तबा तबा, पेट नहीं भरता भाई इसका। अरे अम्मी क्या हो गया, बीवी है मेरी, खा पी नहीं सकती क्या? और अभी साथ बैठ के खाएंगे तो क्या बुराई है? बुराई ये है कि तुम्हारी बीवी को ना कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है, और बेवकूफ बुद्धू कहीं के, जब मैं उससे कोई बात कर रही हूँ ना तो बीच में बत्ता गड़ाया कर, समझा? वरना मैं। अच्छा आप पानी पीजिए। बड़ा शौक है ऐसे माँ बेटे के बीच। खाना लगा दिए। अरे खाना लगा दिया, देखें आप उसको बुरा भला कहती रहती हैं, तो ख्याल है आपका। इतना भी नहीं बर्दाश्त के पानी चैन से पी लूं।